जवान था, मस्जिद में आया, लोगों से कहने लगा रोटी खिलाओ। किसी ने तवज्जो ना की। उसने कहा मैं रब रब बताने वाला हूँ, मेरी तरफ देखो तो सही। किसी शख्स ने ख्याल ही ना किया। नमाजियों से कहा, अहले इलाका से कहा, उन्होंने कहा तेरी तरह के बड़े दरवेश देखे। वो नौजवान अल्लाह का नेक बंदा मस्जिद के मेहराब में फौत हो गया। हज़रत फ़ज़ैल इब्ने अय्याज़ कहते हैं इमाम साहब ने ऐलान किया चंदा दो, कोई लावारिस फौत हो गया, कफन देना। चंदा इकट्ठा हुआ, कफन खरीदा, जनाजा पड़ा, इशा के बाद दफन करके आए। फजर की नमाज के लिए जब इमाम और मुअज्जिन मस्जिद में आए तो चीखे मारने लगे, तड़पने लगे, दूर दूर तक आवाजें फैल गई, दुनिया दौड़ी आई, क्या हुआ? कहने लगे वो जो तुमने कफन पहनाया था वो यहाँ पड़ा हुआ है, और देखो कफन पे तहरीर लिखी है। तहरीर क्या है? अर्श के मालिक ने फरमाया मेरे दोस्त ने रोटी मांगी, तुमने दी नहीं, उसने तुम्हें मेरे करीब करने के लिए अपनी तरफ तवज्जो कराई, तुमने की नहीं, और मेरा यार तुम्हारे कफन का मोहताज था। संभाल के रखो अपना कफन, मैंने उसे जन्नत का लिबास अता फरमा दिया।